हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन में बाई कैसे करना है, कैसे आप मार्जिन में बाई करते हैं, कैसे उसमें टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसे आप उसको कन्वर्ट टू डिलीवरी कर सकते हैं। ये तीन मेन बातें हैं मार्जिन में, तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई लिखा है, जो आई होम उसके बगल में क्लिक करना है आपको, और आपको जाना है इक्विटी में। इक्विटी में आपको कहाँ जाना है, मार्जिन बाय में जाना है। मार्जिन बाय में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे NSE सेलेक्ट करना है आपको, और उसमें स्टॉप, जैसे मेरे को IDFC बाय करना है, IDFC, तो IDFC ये मैं यहाँ से IDFC को बाय कर लूँगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक, ओके IDFC फर्स्ट बैंक मेरे को बाय करना है। इसकी क्वान्टिटी मान लीजिए मेरे को 2 क्वांटिटी बाई करना है, और इसको मैं मार्केट प्राइस से ही बाई कर लूँगा। बाय बाय प्रोसीड, तो प्रोसीड हो गया अभी ये, और सॉरी, तो अब इसको मैं अपनी ओपन पोजीशन में देख सकता हूँ। ये मार्जिन में हमारा ये पोजीशन यहाँ पे ओपन है, और हमने IDFC फर्स्ट बैंक को बाई किया हुआ है 2 क्वांटिटी, और इसको अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इसमें टारगेट ऑर्डर आप लगाएंगे। मैंने इसको बाई किया है तो टारगेट ऑब्वियसली मैं इससे थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, मान लीजिए मेरे को 60 का रखना है, मुझे लगता है कि आज ये 60 आ जाएगा, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ पे जाऊँगा और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ क्वान्टिटी में 2 लिखूँगा, और लिमिट प्राइस में डायरेक्टली मैं यहाँ पर 60 लगा दूँगा, और आगे कुछ नहीं करना है, मोर पर नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसको मैं स्क्वायर ऑफ पर क्लिक कर दूँगा, और इसको मैं कर दूँगा प्रोसीड, ओके। तो स्क्वायर ऑफ प्रोसीड, ओके। स्टेटस ऑफ ऑर्डर पोजीशन चेंज, तो हमको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग इक्विटी, ओपन पोजीशन, मार्जिन। तो मार्जिन में ये है हमारा, और हमारा जो है ऑर्डर लग गया है, वो एक्चुअली डबल क्लिक हो गया था इसलिए ऐसा दिखा रहा होगा। हम इसको देखते हैं अपने ऑर्डर बुक में, इक्विटी में हम जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखेंगे। तो ये देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का हमारा 60 रुपये पर टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि आपने अगर टारगेट लगा दिया तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो फिर आप टारगेट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको कैंसिल करूँगा, और फिर इसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। कैंसिल के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो ये दिख रहा है कैंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और इसको येस कर देना है, ओके। तो हमारा ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, हम वापस ऑर्डर बुक में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑर्डर कैंसिल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाऊँगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपको जाना है इक्विटी में, ओपन पोजीशन में, मार्जिन में। मार्जिन में आके आप इसमें स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे, फिर से स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी 2, और मुझे लगता है कि 55 से नीचे जाएगा तो ये गिर जाएगा, तो मैं 55 पे मेरे को इसको स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं इस पर डालूँगा। पहले मोर पे जाऊँगा, मैं स्टॉप लॉस मेरे को कितना रखना है, 55 मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। अब मेरे को इसमें एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, लिमिट प्राइस, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए मार्केट में अचानक से सेल ऑफ आता है और मेरा स्टॉप लॉस जो है स्किप हो जाता है, तो मतलब 55 हिट नहीं होता, वहाँ पे कोई भी जो है बायर नहीं रहता है, तो उस केस में क्या करें हम, तो उस केस के लिए हमको लगानी पड़ती है लिमिट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर 54.5 पे लगाऊंगा। 54.5 पे लगाने से मतलब ये हुआ कि 55 से 54.5 के बीच में जो भी उसको प्राइस मिलेगा वो उस पर उसको बेच देगा, ठीक है। सेम चीज़ उल्टा आपको करना है किस में, जब आप सेल करते हैं, मान लीजिए इसको हमने सेल किया होता तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 60 का लगाता, और जो मेरी लिमिट प्राइस आती वो 61 होती या 60.5 होती, ऐसा कुछ होता। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको प्रोसीड, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। इक्विटी में आऊँगा मैं, आप अपने ऑर्डर बुक में देखूँगा, तो ये मेरा यहाँ पर लग गया है मार्जिन सेल का ऑर्डर, ठीक है। मार्जिन सेल का ऑर्डर लग गया, हमने इसमें बाई कैसे करते हैं वो देख लिया, हमने इसमें देखा कि इसमें टारगेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं,
और फिर इसने देखा हमने कि इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, दोनों ऑर्डर एक साथ नहीं लगेंगे, ठीक है। इसमें हमको लिवरेज मिलती है काम करने के लिए, और इसको अगर आपको पोजीशन लगता है कि और आगे जा सकती है, ऊपर बढ़ सकती है, तो इसको आप कन्वर्ट टू डिलीवरी भी कर सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका टारगेट या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा होगा साथ में। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इक्विटी पर ही दिखाता हूँ जो मैं इक्विटी में। अब मैं देखिए ओपन पोजीशन में जाऊंगा मार्जिन में, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिखाता है, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है देखिए CTD स्क्वायर ऑफ एड मार्जिन चेंज मोड, तो CTD का मतलब है कन्वर्ट टू डिलीवरी, ओके। अभी मैं इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। CTD में मैं क्लिक करूँगा, कितनी क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है मुझे। मान लीजिए आप मार्जिन में लेके बाई कर रहे हैं 10 टाइम्स की मार्जिन मिल रही है, अभी जो आप 10 टाइम्स पर लेके जा रहे हैं, लेकिन होल्डिंग के लिए आपके पास 10 टाइम्स का मार्जिन नहीं है, आपके पास 3 टाइम्स तक का है, तो आप उसमें उसी हिसाब से क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मेरे यहाँ 2 क्वांटिटी है, मैं चाहूँ तो सिर्फ एक को कन्वर्ट करूँगा, तो एक मेरा डिलीवरी हो जाएगा और एक जो है मेरा इंट्राडे में रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से 2 क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देता हूँ, कन्वर्ट, ये मेरा पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, डिलीवरी में, ओके। इस तरह से आप मार्जिन को डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे जाके देखूँगा अगर इक्विटी में, तो यहाँ पे ये मेरे को ओपन पोजीशन पे अब नहीं दिखेगा, ओके, ओपन पोजीशन पे नहीं दिखेगा, ये मेरे को दिखेगा कहाँ पे, इक्विटी में, ये मेरे को दिखेगा ट्रेड बुक में, ट्रेड बुक में दिखेगा बस, और कहीं नहीं दिखेगा। इसमें पंजाब नेशनल बैंक को ही दिखा रहा हूँ, ऑर्डर बुक, इक्विटी, ओपन पोजीशन, मार्जिन, मार्जिन में नहीं है ये, इक्विटी, IDFC फर्स्ट बैंक ट्रेड बुक, पंजाब नेशनल बैंक, ये है IDFC फर्स्ट बैंक, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। और तो ये है हमारा, इस तरह से हम इसको जो है डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, और अगर आपको कोई डाउट है अभी मार्जिन के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप मार्जिन बाय करते हैं तो उसमें आप टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो दोपहर के बाद इसको आप कन्वर्ट टू डिलीवरी भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टू डिलीवरी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। कन्वर्ट टू डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद आप उसको BTST में ही बेच सकते हैं 2 दिन, और उसके बाद तो आप कभी बेच सकते हैं क्योंकि आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो स्टॉक आप कभी भी खरीदें, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं ऐसे, ओके, थैंक यू।